आज्ञा दीजिए महाराज। रुक जाओ भैरव, तुम्हारा इतना दुस्साहस, इसका कारण क्या है रणदेव? कारण है महाराज, ये इस राज्य को संभालेंगी जो स्वयं पर मुसीबत आते ही आंख बंद करके अपना बदन ढक ले, वो क्या तलवार उठाएंगी जिसमें आत्मरक्षा करने की ताकत ही ना हो, वो इस राज्य की रक्षा कैसे करेगा महाराज? हमारी सीमा पर शेर खान डेरा डालकर बैठा हुआ है, हमारी प्रजा डरी हुई है, थर थर कांप रही है। ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता होनी चाहिए, ये जानने के लिए नहीं कि राजकुमारी के लिए अच्छा पति कौन है, बल्कि ये जानने के लिए कि अधिक साहसी कौन है। ये जानना भी अधिक आवश्यक है महाराज कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजकुमारी मैत्रा उसी से विवाह करेगी जो चुनरी लाकर इनका और राज्य का गौरव बचाएगा। अगर किसी को आपत्ति हो तो हमें सूली पर लटका दे, नहीं तो हमारी चुनौती स्वीकार करें। अब कोई उपाय नहीं है महाराज, प्रजा आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है, स्वीकार है या नहीं? हमें स्वीकार है। परंतु एक शर्त हमारी भी है। क्या है वो? जो भी पराजित होगा वो ये राज्य छोड़कर जाएगा। क्या बात है, हमें हराएंगी, राज्य से बाहर निकालेंगी और विवाह उससे? वो यहाँ जीवित लौटेगा तब ना। किंतु मैं इन्हें यहाँ जीवित लेकर आऊंगा राजकुमारी, आप अपनी आंखों से देखिएगा, जब शर्म के मारे ये इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो लोग इन पर थूकेंगे। राज्य की सारी प्रजा चाहती है कि भैरव ही जीते महाराज, तो भैरव अवश्य जीतेगा। हाँ जानते हैं, लेकिन यही तो हमारी समस्या है।
शरीर जितना मजबूत है दिल उतना ही कमजोर। अब क्या करेगा? चक्रव्यूह में फंस गया तू। अब तू घोड़ों के प्राण बचाएगा या राजकुमारी की आन? निर्णय तेरे हाथ में है। और मेरी हम दोनों की अग्नि परीक्षा है। चलो जीतेंगे भैरव ही।